हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। सर्वप्रथम नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज जिस टॉपिक से संबंधित हम डिस्कशन करेंगे वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड है। इसमें एंशियंट इंडियन थॉट से रिलेटेड जो विभिन्न स्रोत हैं उनके परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति की विवेचना कीजिए, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जामिनेशन में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग परस्पेक्टिव। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति के संबंध में विवेचना करें तो सहज स्पष्ट होगा कि वस्तुतः भारतीय आध्यात्मिक एवं राजनीतिक दर्शन की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन रही है। सहस्त्रों शताब्दियों पूर्व जब विश्व के अन्य देशों में चिंतन का कोई उल्लेखनीय विकास नहीं मिलता है, उस समय भारतीय चिंतन सर्वोच्च शिखर को स्पर्श कर रहा था, या ये कहें कि सर्वोच्च शिखर तक पहुंच चुका था। भारतीय दर्शन की यह गौरवशाली परंपरा वैदिक युग से आज तक बनी हुई है, या ये कहें कि वैदिक युग से निरंतरता को साधे हुए हैं। वैदिक युग से हमारे ऋषि मुनि आचार्य विचारक चिंतक दार्शनिक सभी राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित या आध्यात्मिक उत्सुकता से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों का सार्थक उत्तर देने का प्रयास करते रहे हैं। यहाँ पर संदर्भवश ये बात बताना समीचीन रहेगा कि पाश्चात्य दर्शन ने जहाँ बौद्धिक चिंतन को महत्वपूर्ण माना है, वहीं पाश्चात्य दार्शनिक सांसारिक ज्ञान की प्रधानता को महत्वपूर्ण मानते हैं। और भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में यदि चर्चा करें तो भारतीय दर्शन आत्म साक्षात्कार, या ये कहें कि सेल्फ रियलाइजेशन को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। वैदिक युग से ही ये माना जाता रहा है कि दर्शन का अभिप्राय होता है साक्षात देखना या साक्षात महसूस करना। हमारे देश में आध्यात्मिक और राजनीतिक चिंतन के सिनेरियो में भी इसी तथ्य को ध्यान में हमेशा से ही रखा गया है। भारतीय दार्शनिकों मनीषियों विद्वानों ने जो अपने विचार रखे, उनके विचार आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्ष को लेकर राजा प्रशासन सेना युद्ध एवं समाज के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं, या ये कहें कि डिस्क्रिप्शन देते हैं, या उसे अच्छी तरह से नैरेट करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि वेद पुराण उपनिषद एवं वैदिक साहित्य इन विचारों को या इनमें उल्लेखित विचारों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चारों वेद ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद एवं यजुर्वेद जो ईसा से हजारों वर्ष पूर्व माने जाते रहे हैं, या ये कहें कि ईसा से हजारों वर्ष पूर्व जिनका अस्तित्व रहा है, उनसे ये स्पष्ट होता है कि उस समय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था थी तथा राजा का चुनाव समिति के माध्यम से किया जाता था जो सर्वसाधारण प्रजाजनों द्वारा आयोजित एवं स्वीकृत होती थी। यहाँ पर ये स्पष्ट है, या ये कहें कि इसमें जो जनता की भागीदारी है या जनता का जो पार्टिसिपेशन है और सहमति है वो प्रमुख मानी जाती थी। निर्वाचित राजा के लिए समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था। वैदिक साहित्य की अपेक्षा महाभारत और स्मृतियों से प्राचीन आर्य संघों और परवर्ती संघों सामाजिक संगठनों में अंतर और उनके संचालन आदि को स्पष्ट रूप से महत्व दिया जाता था। वैदिक युग के बारे में और अधिक विस्तार से वर्णन करें तो वैदिक युग के बाद लोक जीवन भी अपना एक स्वतंत्र आयाम ले रहा था, या ये कहें कि सभी अपने अपने वर्ग के अंतर्गत स्वतंत्र जीवन जीने और शासन पद्धति के अंतर्गत शासन के विभिन्न आयामों को विकसित कर रहे थे। वैदिक युग में प्रचलित राज शासन की जगह बाद में प्रजातंत्र ने ले ली, या ये कहें कि जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसका स्थान प्रजातंत्र ने ले लिया, और मैगस्थनीज पाणिनि आदि ने प्रजातंत्र के विभिन्न संगठनों का उल्लेख किया, या ये कहें कि इस कंसेप्ट को और अधिक विकसित किया। प्राचीन भारत के संघ राज्यों तथा गणराज्यों के संबंध में व्याकरण या पाणिनि ने बहुत सी बातें स्पष्ट की हैं, या ये कहें कि बताई हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि पाणिनि को व्याकरण का सूत्रधार कहा जाता है। मैगस्थनीज एरियन तथा कर्टियस आदि यूनानी विद्वानों ने या दार्शनिकों ने या लेखकों ने या चिंतकों ने भारतीय प्रजातंत्र के संदर्भ में
आंखों देखे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं या ये कहें कि अनेक प्रमाण दिए हैं। उन्होंने व्यवस्था के दो प्रकार बताए हैं और पहला ये प्रकार कहा है कि एक राजत्व शासन प्रणाली तथा दूसरा प्रजातंत्र शासन प्रणाली। कहने का अभिप्राय है कि एक तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी तथा दूसरी प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कौटिल्य ने भी राज्य शास्त्र का भली भांति वर्णन किया और उसमें उन्होंने बताया कि शुक्राचार्य आचार्य मनु पाराशर बृहस्पति आदि के जो विभिन्न विचार हैं उनके माध्यम से प्रजातांत्रिक विचारों का बोध होता है। उनके प्रजातांत्रिक विचारों का विकास करने में वेदों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस कंसेप्ट को आगे जाकर प्राचीन काल के राजनीतिक चिंतन की जानकारी यदि चाहिए या उस संदर्भ में हमें अपनी नॉलेज एनहेंस करनी है तो उसके संबंध में वैदिक साहित्य एक भरपूर प्रमाण है। वैदिक साहित्य के साथ रामायण महाभारत कामंदकीय नीति सार शुक्र नीति सार बृहस्पति सूत्र मनुस्मृति कौटिल्य अर्थशास्त्र और विदेशी साहित्य एवं पुरातत्व इत्यादि ऐसे प्रमाण हैं जिनके माध्यम से हमें प्राचीन राजनीतिक चिंतन के परिप्रेक्ष्य में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो सकती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के संबंध में या ये कहें कि एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के सिनेरियो में जो सामग्री है उसे दो प्रकार से विभाजित किया जाता है जिसमें लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी साहित्यिक सामग्री और पुरातत्व संबंधी सामग्री को विभाजित किया गया है। साहित्यिक सामग्री के संबंध में यदि चर्चा करें तो हिंदी राजनीति शास्त्र संबंधी साहित्य की रचना या ये कहें कि हिंदी राजनीति शास्त्र से संबंधित जो साहित्य है उसका सृजन 650 ईसा से पूर्व प्रारंभ हो चुका था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसमें महत्वपूर्ण माना गया है जिसमें 1800 से भी अधिक आचार्यों के नाम उल्लेखित किए गए हैं। उसी तरह से वैदिक साहित्य के सिनेरियो में यदि डिस्कशन करें तो ये विदित होगा कि ये प्राचीनतम ज्ञातव्य स्रोत है या ये कहें कि ज्ञान का प्राचीन स्रोत माना गया है और ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद ये जो चार विभिन्न वेद हैं इन वेदों में राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत राजतंत्र की व्यवस्था राजा के अधिकार उसके कर्तव्य मंत्रिपरिषद का संगठन और मंत्रिपरिषद का कार्य शासन की नीति राजतिलक तथा राजा के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न यज्ञों के वृतांत एवं उनकी कर व्यवस्था इत्यादि का उल्लेख हमें मिलता है। ऋग्वेद के संबंध में आर्यों के प्रसार उनके द्वारा स्थापित राज्य व्यवस्था द्रविणों से संघर्ष इत्यादि का विवरण भी प्राप्त होता है। वास्तव में वेद प्राचीन भारतीय जनजीवन की जानकारी के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का एक विश्वसनीय स्रोत है या ये कहें कि इनमें जो उल्लेख है आप उस पर सहजता से विश्वास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इनके अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि उस समय की राजनीति और जो उस समय का परिदृश्य था या प्रशासनिक परिदृश्य था वो किस तरह का था इसके संबंध में भी हम नॉलेज एनहेंस कर सकते हैं। उसी तरह से ब्राह्मण और उपनिषद साहित्य के संबंध में यदि चर्चा करें तो ब्राह्मण साहित्य में ऐत्रेय पंचविश शतपथ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ऐत्रेय से प्राचीन राजाओं के राज्याभिषेक की व्यवस्था का वर्णन प्राप्त होता है। शतपथ से गांधार कैकेय कुरु विदेह कौशल राज्यों की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषदों में हमें राजा परीक्षित से लेकर राजा बिंबसार के संबंध में विशद ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से महाकाव्य काल के संबंध में यदि चर्चा करें तो वैदिक साहित्य के पश्चात साहित्य के दो स्तंभों रामायण और महाभारत का आविर्भाव हुआ। रामायण के अध्ययन से हमें आर्यों यवनों शकों के संघर्ष का वर्णन विदित होता है। इस महाकाव्य में राज्यों की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए किष्किंधा कांड में जो वर्णन प्राप्त होता है या ये कहें कि किष्किंधा कांड के अंतर्गत तुलसीदास ने जो वर्णन किया है उसमें यवनों का देश और शकों के नगर कौरवों के देश तथा हिमालय के संबंध में जो स्थिति है उसके संबंध में हमें ज्ञान मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म वर्ग के अंतर्गत हिंदू राजनीति से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया गया है कि राजा के कर्तव्य किस तरह से होना चाहिए। राजा के कर्तव्य एवं शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन किया गया है। शांति पर्व में अनेक प्रसंगों के अंतर्गत राजनीतिक विषयों का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इसमें प्रॉपर्ली हमें मिलता है। इसे इतिहास की संज्ञा दी गई है। महाभारत के 5वें अध्याय में आदर्श राज्य की किस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए या आदर्श राज्य की जो संकल्पना है वो कैसी होनी चाहिए इसका वर्णन प्राप्त होता है। आदि पर्व से कूटनीति का विवेचन प्राप्त होता है। इसी तरह से राजा और राजतंत्र की जो उत्पत्ति है उसके संबंध में भी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन महाभारत के अंतर्गत
पढ़ने को मिलता है। स्वराष्ट्र शासन व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, पर राष्ट्र नीति, संधि विग्रह इत्यादि विषयों को भी इसमें स्थान दिया गया है। महाभारत का राजधर्म जो विवेचन है, या महाभारत में राजधर्म के संबंध में जो विवेचन किया गया है, वह वास्तव में बहुत अधिक विस्तृत है और प्रशंसनीय है। शांति पर्व के राजधर्म पर्व के अध्याय के अतिरिक्त भी जो अन्य अध्याय हैं उनमें भी राजतंत्र का विचार किया गया है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्र पर प्रकाश डालने वाले, या ये कहें कि प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्र के संबंध में या राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में जो वर्णन है उनमें अनेक शास्त्रों का उल्लेख है, लेकिन जो महाभारत का स्थान है वो विशिष्ट है, क्योंकि महाभारत में वास्तव में बहुत अधिक सजीव वर्णन किया गया है और स्पष्ट तथा तथ्यपरक चीज़ें उसमें दी गई हैं, क्योंकि राजनीति से संबंधित सभी तथ्य इसके अंतर्गत समाविष्ट किए गए हैं। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़।